स्कूल में शिक्षा का सफर। कहते हैं एक स्कूल ही ऐसी जगह है जहां सारे मतभेद मिट जाते हैं और टीचर एक ऐसा इंसान होता है जो हमें भेदभाव से दूर रखता है। लेकिन उस समय जब बाबा भीमराव जी ने स्कूल में दाखिला लिया तो शायद ये नियम किसी को समझ नहीं आए। हाई स्कूल में भी भीमराव अम्बेडकर जी से दुर्व्यवहार किया गया। ऊंची जाति के बच्चे उनसे अपने रोटी वाले डब्बे छुपा के रखते थे। एक दिन अध्यापक ने भीमराव को बोर्ड में लिखने के लिए बुलाया। तभी एक विद्यार्थी जोर से बोला, ठहरो, हमें रोटियों के डब्बे उठा लेने दो। जब तक रोटियों के सारे डब्बे वहाँ से हट नहीं गए तब तक बाबा भीमराव को बोर्ड तक जाने नहीं दिया गया। इतना अपमान एक बालक का, वो भी उस बालक का जो क्लास में सबसे सर्वप्रथम रहा। सभी कठिनाइयां सहते हुए भी भीमराव खूब मन लगाकर पढ़ते थे। एक दिन एक ब्राह्मण अध्यापक ने भीमराव को चिढ़ाकर कहा, अरे तू तो महर है, तू पढ़कर क्या करेगा। भीमराव ये अपमान सहन ना कर सके, वे बब्बर शेर की भांति अध्यापक पर गरज पड़े और चिल्लाते हुए बोले, सर पढ़ लिख कर मैं क्या करूँगा, ये पूछना आपका काम नहीं है। यदि आपने फिर कभी मेरी जाति का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बाबा साहब के इस बर्ताव को देख के अध्यापक भी समझ गए कि ये कोई चुप रहने वाले बालकों में से नहीं। भीमराव बचपन से ही स्वाभिमानी और निशुल्क जो थे, भीमराव को हाई स्कूल में एक और चोट लगी जिसे वह जीवन भर नहीं भूल सके। भीमराव संस्कृत पढ़ना चाहते थे परंतु स्कूल के अध्यापकों ने उनकी जाति के कारण संस्कृत विषय पढ़ने की अनुमति नहीं दी। मजबूर होकर भीमराव को फारसी पढ़नी पड़ी। बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने प्रयत्न व परिश्रम से संस्कृत भाषा पढ़ी और संस्कृत के अच्छे विद्वान भी बने। क्या स्कूल में अध्यापकों का बच्चों के साथ इस प्रकार का भेदभाव करना सही था? क्या उन्हें संस्कृत पढ़ने से रोकना सही था? क्या उन्हें सभी बच्चों के समान न मानना सही था? क्यों एक टीचर एक बच्चे को ये कहते हैं कि तुम पढ़ के क्या करोगे, तुम्हारी जाति छोड़ी है, क्या ये सही था? इन सभी अपमानों को सहते हुए उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास करी और वह एक संकल्प लिए चलते रहे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।